वेलकम टू अटल टनल रोहतांग। जो ऑफ रोड था इतना खराब ऑफ रोड होने के कारण टाइमिंग आपका 12 बजे तक ही होता है एंट्री का। जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सभी? मैं तो बढ़िया मस्त, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज अपने राइड का 8वां दिन है और आज हम लोग जा रहे हैं किलोंग टू लेह के तरफ। आज हम लोग निकल रहे हैं किलोंग से और किलोंग से हम लोग लेह के तरफ निकल रहे हैं। एग्जैक्ट कहाँ जाएंगे वो हम लोग को भी नहीं पता है। ले तो यहाँ से 365 किलोमीटर है। एक दिन में कमी चांसेस है, कमी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग कवर कर सके 365। कोशिश करेंगे जहाँ अगर रात हुआ हम लोग थक गए वहाँ पे हम लोग स्टे ले लेंगे, कहीं होम स्टे या फिर कोई होटल्स वगैरह लेके रुक जाएंगे। लगेज तो सारा पैक हो चुका है और कुछ मुसीबतें हैं हमारे साथ, मतलब कुछ राइडर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि अभी अमित भाई का टायर और पीछे का जो है चक्का वो पंक्चर हो चुका है। तो अपने पास पंक्चर किट वगैरह सारा कुछ है, पंक्चर फिट कर रहे हैं। मेन मेजर प्रॉब्लम हो गया कुणाल भैया का। आइए मैं आपको ये कुणाल भैया, कल जो हम लोग बहुत डेंजर ऑफ रोड आए हैं स्पीकी वाला जो ऑफ रोड, वो इनका सॉकर लीक करा दिया। अब ये तो मेजर है, मेजर प्रॉब्लम है। जा तो सकता है ये गाड़ी ले तक, लेकिन अगर देखते हैं रास्ते में कुछ मैकेनिक वगैरह मिल जाए, कहीं सर्विस सेंटर मिल जाए तो हम लोग उसको रिपेयर करा देंगे। फिलहाल के लिए बस राइडिंग जैकेट पहनना है और सामान तो सारा बाइक पे लोड हो चुका है, सब लोग रेडी हैं ऑलमोस्ट, अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। नहीं जी लगा नहीं, चोट नहीं लगा। अमित भाई पंचर फिट कर रहे थे उतर गया गाइस। ये आप देख रहे हैं ना हमारा चक्का तो पूरा टकला हो चुका है। मतलब कल जो मैं दो बार गिरा हूँ ना स्लश में, इसका रीजन यही था, मेरा टायर में भाई साहब ग्रिप है ही नहीं। अब देख सकते हैं एकदम ही मतलब ग्रिप टोटली खत्म हो चुका है। ये तो मेजर मिस्टेक मेरे तरफ से है, ये मैं किसी और की गलती नहीं कर सकता, मुझे आने से पहले टायर चेंज करवा लेनी चाहिए थी। A few minutes later, हाँ जी, तो किलोंग से निकलते निकलते बहुत लेट हो चुका है, 12 बज चुका है और आगे 35 किलोमीटर पे एक चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ पे अंकल ने, ये जो होटल के ऑनर हैं, उन्होंने बताया कि टाइमिंग आपका 12 बजे तक ही होता है एंट्री का। 12 तो ऑलरेडी बज चुका है, अब देखते हैं वहाँ पे हम लोग को आगे जाने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता। फिलहाल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके डायरेक्ट यहाँ से अब निकलेंगे। तो भैया जी प्लान में कुछ अपडेट, हम लोग निकल रहे थे किलोंग से लेह के तरफ, लेकिन अभी फिलहाल कुछ तबीयत खराब और किन्हीं के बाइक में थोड़ा सा इश्यूज भी हो गया था, जैसे मैं कुणाल भैया का सॉकर लीक कर रहा था और अमित भाई का टायर पंचर था, इस कारण हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए। अभी टाइम हो गया 3:22, तो हम लोग सोचे कि किलोंग में ही स्टे करते हैं। अब किलोंग में स्टे कर रहे हैं तो सोचे कि अभी हम लोग अटल टनल में फोटोज वगैरह या फिर अटल टनल घूमे नहीं, तो अब यहाँ आ गए हैं, पास में 40 किलोमीटर अटल टनल है, सोचे कि अब आज का दिन वेस्ट ना करते हुए अटल टनल घूम के आते हैं। अटल टनल जाएंगे, वहाँ से रोहतांग पास में है तो रोहतांग पे भी जाके कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराएंगे आप लोग के लिए, कंटेंट शूट करेंगे रोहतांग का और मिलते हैं अब सीधे मोटो ब्लॉग सेटअप में। ये संदीप भैया अपना डुगडुग भाई को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब उनका बाइक का नाम है डुगडुग, बोल रहे हैं भैया चलिए आ जाए पिलियन। नहीं नहीं, जब मेरा गाड़ी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ वही तो, गाड़ी को घुमाने, सही बात है, खुद को घुमाना रहता तो ट्रेन से आते, फ्लाइट से आते, सही बात। हाँ भैया भैया प्रणाम प्रणाम भैया 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 इधर आइए ना थोड़ा। अरे भैया इसमें से गार्जियन स्वरूप आप ही हैं आशीर्वाद। अरे भैया थोड़ा धक्का लगा दीजिए ना, अब यहाँ से निकलते हैं अटल टनल के लिए। पीछे
बताया होगा ब्लॉग में कि कुणाल भैया का जो बाइक है वो सॉकर लिख है, लेकिन सॉकर लिख नहीं था हर ये चीज़ अच्छा हुआ। बस क्या प्रॉब्लम था कुणाल भैया, क्या प्रॉब्लम था वो स्थिति में जो हम लोग आ रहे थे लोसर से, तो फिर जो ऑफ रोड था इतना खराब ऑफ रोड होने के कारण मतलब ये पत्थर और फिर पानी में जो गया था तो जर्ग लगा था, तो ऊपर का एक नट जो है ना सॉकर का लेफ्ट साइड का वो लूज हो गया था, तो उसके कारण ऑयल मतलब ऑयल लीक हो रहा था, लीक किया था। जो मेरा गाड़ी का सॉकर का जो ऑयल सील है ना वो एकदम प्रॉपर परफेक्ट है, उसमें कुछ नहीं हुआ। भैया बोले घबराने का नहीं, आराम से अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप आराम से घर पे जाके करवाइएगा, वो सही है, मेजर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि क्या हो गया, फिर आगे रास्ता ऑफ रोड है और फिर उधर जाने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्यों ना सर्विस सेंटर यहाँ पास में ही है 10-15 किलोमीटर में, तो फिर जाके करवा देते हैं। मेरा भी ब्रेक पैड चेंज कराना था आगे और पीछे दोनों का, मैं भी अभी फिलहाल ब्रेक पैड चेंज कराऊंगा, उसके बाद फिर अटल टनल यहाँ। हाँ जी, तो अब वक्त हो चुका है रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर से निकलने का। सबके गाड़ी में ब्रेक पैड चेंज हो गया है, यहाँ पे मैंने ब्रेक पैड चेंज कराया, चैन टाइट कराया और स्टैंड में थोड़ा सा ऑयल डलवाया। स्टैंड बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था जो सिंगल स्टैंड है, और यहाँ पे जो बिल बना वो 579 का बना आगे पीछे दोनों का ब्रेक पैड चेंज करवाने का, और हम लोगों ने टायर में हवा भी चेक करा लिया। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, क्लच भी थोड़ा ढीला ज़्यादा हो गया था तो अभी ठीक है, देखते हैं थोड़ा बाइक चला के सही से परफॉर्मेंस दे रही है कि नहीं अपनी बाइक। ऐसे तो अपनी फगुनियाँ हैं ही मस्त। वेलकम टू अटल टनल रोहतांग। ओ भाई साहब, आखिरकार अटल टनल में आ ही गए। कितना दिन का सपना था यार, मतलब अटल टनल सिर्फ वीडियोस में देखते थे, आज फाइनली अटल टनल में मतलब यार बाइक चला रहे हैं, लिटरली मज़ा आ गया भाई साहब। और कुछ रूल्स बता देता हूँ अटल टनल का, तो पहला तो स्पीड लिमिट होता है 60 का, और दूसरा कि आप बीच में से कहीं से यू टर्न नहीं ले सकते हो क्योंकि कैमराज सारे जगह कैमराज लगे हुए रहते हैं, अगर कहीं से आपने यू टर्न बीच में से करने का कोशिश किया तो भाई साहब आप कट जाएगी चालान। ये अटल टनल टोटल 9 किलोमीटर का है, तो हम लोग अभी अटल टनल के बाहर जाके फिर वापस अटल टनल में हम लोग यू टर्न लेके चले आएंगे। अटल टनल रोहतांग BRO के अंडर आता है, और अल्टीट्यूड की बात करें तो 10,040 फीट के हाइट पे है ये, और इसके पीछे का नज़ारा देखो भाई साहब, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। 1 hour later हम लोग आइटनरी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो आइटनरी प्लान करके गया था वो क्या बोल सकते हैं, छूट गया। अरे रुकिए ना, पतला कर दीजिए, अरे हम कर लेते, रुक जाइए, हम दूसरा कुछ प्लान कर लेंगे, ठीक है हम लोग यहाँ से। हाँ रुकिए, आप लिखिए, आप करिए, आप हटेगा तब ना, यहाँ से पांगे, ठीक है, यहाँ से कारू, मतलब हम बोलते कारू में स्टे नहीं, कारू में स्टे नहीं मिलेगा, दिक्कत है। भैया जी, तो अब वक्त हो चुका है ब्लॉग को एंड करने का, टाइम हो चुका है रात का 12:44 और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। बात करते हैं ब्लॉग के इन में एक्सपेंस का, तो आज कुछ खास एक्सपेंस नहीं हुआ, हम लोग आज सेम होटल में स्टे किए जहाँ पे कल स्टे किए थे किलोंग में, और हम लोग का होटल का जो चार्जेस है पर रूम 1000, तो हम लोग शेयरिंग पे है, 2 पर्सन एक रूम में, तो 500 ईच हुआ। और हम आज गए थे अटल टनल, आपने पीछे देखा होगा ब्लॉग में, तो अटल टनल हम लोग घूमे रोहतांग के पास में वहाँ पे,
और ब्रेक का इश्यू था, थोड़ा ब्रेक पैड चेंज कराना था, तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा कि ब्रेक पैड चेंज कराया, तो उसका कॉस्ट आया 579 का बिल था वहाँ पे। और खाना खाया कुछ 110 रुपीज़ का खाना था, ब्रेड टोस्ट था और अंडा। बस यही आज का एक्सपीरियंस था, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए जोश के साथ।